नमस्कार, स्वागत है आपका जनसंदेश टाइम्स में। मैं हूं किरण। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली के आलमशेख गांव का मामला सामने आया है, जहां आशा बहू और उसके परिवार को जमकर पीटा गया है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के लिए बुलाने गई आशा बहू और उसके परिवार को दबंगों ने जमकर पीटा। आशा बहू सहित परिवार के तीन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। तीनों घायलों को CHC बांगरमऊ में भर्ती कराया गया, जहां आशा बहू रोली यादव की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल वैक्सीनेशन ना लगवाने को लेकर दबंगों का परिवार लगातार 4 दिनों से गाली गलौज भी कर रहा था। उसके बाद उन्होंने आशा बहू और उसके परिवार के साथ मारपीट की। फिलहाल मामले की जानकारी संबंधित थाने में दे दी गई है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। रोलिया सर, कहाँ रहती हैं? मेला आलम शाह सर। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं वैक्सीन के लिए कल बुलाने के लिए गई थी, तो उन्होंने हमसे मना किया। हमारे जाने के बाद गाली गलौज करती रही। मैंने संगिनी मेरी रामा है उनको बताया। उन्होंने भी सफाई कर्मचारी और कोटेदार सारे लोग थे, उन्होंने आकर उनके बताया। जब सब लोग गए, उनको बुलाया, वैक्सीन भी लगवाई, उसके बाद हमको शाम को भी गाली गलौज दी सर। मैं नहीं बोली। रेनू बालकृष्ण की पत्नी। रेनू मारा किसने आपको? बालकृष्ण की पत्नी ने मारा, रेनू ने मारा हमें। और उनके रिश्तेदार आए हैं, उनका नाम है सेवाराम, और उनकी मम्मी आई, उन्हें हमें नाम नहीं पता है सर। और उसका भाई है अमित, उसने भी हमको मारा। और विकास, क्या कहा? 5 लोगों ने नहीं हमको सर कुछ नहीं कहा। यहाँ से पता नहीं क्या करके गए हैं, 2 बजे के निकले हुए हैं, हम अपने घर ही पर थे। क्या मारा आपको? हमको डंडा मारा है सर, ये मेरी बेटी को भी ये डंडा मारा है। मेरी बेटी वो पड़ी है वहाँ पर, वो भी नहीं चल पा रही है। पुलिस को बुलाया 112, जब ये यहाँ से गए हमारे घर घुस के हमको मारा, घसीट के रोड पे ले आए, वहाँ पर हमको बहुत घिसला के मारा। देखो ये नाली का चला वाला सब लगा है, मेरे बेटी को भी लगा है, और मेरे बेटे को बहुत कई जगह काट लिया है। जो पड़ोसियों ने बचाया उन्हें भी काटा, उन्हें भी चोट आई है सर। जो बचाने गए थे, बचाने जो आ गए, पास में दुकान थी वहाँ बैठे थे, जब लोगों ने देखा कि ऐसा हो रहा तो उन्होंने बचाने की कोशिश की, उन्हें भी चोट आई है। एक लोग साथ में, उनके ये चोट आई। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।